ये ले यूनिफॉर्म पहन। नहीं मुझे नहीं पहननी यूनिफॉर्म। जो कहना है वो मास्टर जी के सामने कहना। इस वक्त यूनिफॉर्म पहन के तैयार हो जा। ले A for apple, very good. B for ball. C for yes. Good. D for ball. Very good. अब आज की पढ़ाई हम यहीं से करेंगे, ठीक है? ए शालिनी, तेरी माँ बुला रही है। शहर से कोई सीमा दीदी मिलने आई है। अब आगे की पढ़ाई बाद में, ठीक है? छुट्टी अभी। जैसा कि आपको मैं बता रही थी, वहाँ बहुत बड़ा हॉस्टल। अरे हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है, आप हमें हॉस्टल ले जाने यहाँ तक आ गई। यहाँ अब है यकीन? हाँ माँ पापा, एक महीना पहले ना दीदी हमारे स्कूल आई थी। उन्होंने सब बच्चों की परीक्षा ली और सारे बच्चों में सिर्फ हमें चुना उन्होंने। ये सारी बातें हम तुम्हारे मम्मी और पापा को बता चुके हैं। आपका ये सपना था ना कि आपकी बेटी डॉक्टर बने, बस समझिए आपका ये सपना पूरा होने जा रहा है। वहाँ जरा भी तकलीफ नहीं होगी शालिनी को। वहाँ पर एक मास्टर जी है, वो सारी लड़कियों का बहुत ख्याल रखते हैं। मैडम जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप भी समझती हैं, बच्ची अब बड़ी हो रही है, उसे अकेले इतनी दूर कैसे भेज दें? शालिनी जैसी कई बच्चियां हैं हमारे हॉस्टल में, आप चाहो तो खुद आकर देख लेना और जब तसल्ली हो जाए उसके बाद ही भेजना उसको हॉस्टल। अपन सुबह फोन कर लीजिए। प्लीज मुझे छोड़ दो। बाद में बात करते हैं। अरे भावना, इतनी दूर क्यों खड़ी हुई हो? क्या हुआ? डर लग रहा है? परीक्षा इसलिए? ये तो नेचुरल है बाबा, परीक्षा से पहले सबको ही डर लगता है। अच्छा ठीक है, हम ना एक गेम खेलते। इस गेम में जो भी जीतेगा, हारने वाले को उसकी बात माननी पड़ेगी। नहीं। तुम जीत गई तो फिर मैं तुम्हारी कोई परीक्षा नहीं लूंगा, ऐसी पास कर दूंगा तुम्हें। फिर चली जाना अपनी मम्मी पापा के पास। भावना, तुम कितनी स्मार्ट हो। आओ, बहुत इजी गेम। रो चप आओ चप। तो हम खेलेंगे क्रिस क्रॉस। ये लो। ओके, पहले मेरी चाल। ओके, अब तुम्हारी बात। चलो देखो, अगर तुम 30 सेकंड तक अपनी चाल नहीं चलोगी तो फिर मेरी बारी आ जाएगी, फिर मैं ऑटोमेटिकली जीत जाऊंगा। इसलिए चलो। गुड। हाँ यहाँ चलो। अरे वाह, वेरी स्मार्ट वेरी स्मार्ट। ओके यहाँ। क्या हुआ? तुम कोई भी चाल चलोगी, जीतूंगा मैं ही। मैं जीत गया। यस यस, मैं जीत गया। आइए ना प्लीज।
कितना अच्छा है ना। हाँ। अरे अभी आपने पूरा हॉस्टल देखा ही कहाँ है, दिखाती हूँ मैं, आइए ना प्लीज। अरे आइए, आज से ये पूरा कमरा शालिनी का। सच्ची दीदी, आज से ये पूरा कमरा सिर्फ मेरा? हाँ, ये पूरा कमरा सिर्फ तुम्हारा। आप लोग अपना सामान रख दीजिए, मैं आपको मेस भी दिखाती हूँ। जरूरी नहीं कि जो दिख रहा है वही पूरा सच हो, फिर बात चाहे जगह की हो या इंसान की। गुरु के रूप में ये इंसान दरअसल एक वहशी दरिंदा है। भावना की इज्जत तार तार करने वाले इस शिक्षक के लिए सीमा ने शालिनी के रूप में एक नया शिकार खोज लिया है, और जाल इस तरह से बिछाया गया है कि शालिनी और उसकी माँ इन लोगों के इरादों को भांप ही नहीं पा रही है। जो भावना के साथ हुआ कल वही शालिनी के साथ होगा। सिर्फ आंखों देखी पर यकीन करके शालिनी की माँ बेफिक्र हो गई है कि उनकी बेटी सही हाथों में है, लेकिन उनका यही भरोसा उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होगा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। चलिए अब आप सब लोग अपना भोजन शुरू कीजिए। मास्टर जी, नया प्रवेश आया है इसलिए। प्रणाम। बस बेटा बस, बस बहुत प्यारी बच्ची है, हम इसका भविष्य देख सकते हैं। सीमा, आज तो तुम भी पास हो गई। आप लोग इतनी दूर से आए हैं, काफी थक गए होंगे, आप लोग भी भोजन कर लीजिए। रानी जी, भाई इनके लिए भी भोजन लगाओ, आइए भोजन कीजिए। चाहिए बेटा? नहीं। बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी पर तुम समझी नहीं। क्या बात है, तुम इतनी घबराई से क्यों हो? हमने आकर क्या गलती कर दी? तुम यहाँ आ तो गई हो
पापा घर बाहर नहीं जा पाऊंगी। जो लड़की यहाँ एक बार आ जाती है ना, वो हमेशा यहीं पे रह जाती है। वो मास्टर जी, वो पहले हमारे साथ गंदे काम करते हैं और फिर हम लड़कियों से गलत काम करवाया जाता है यहाँ। ये सब तुम क्या बोल रही हूँ, ये हॉस्टल है या पढ़ने लिखने वाली लड़कियां रहती हैं? नहीं, ये सब झूठ है। ये झूठ हमें यहाँ लाने के लिए बोला जाता है। देखो देखो, तुम्हारे पास अभी भी समय है। रोक लो अपनी माँ को और चली जाओ उनके साथ। कहाँ जा रही हो? नहीं, वो माँ को सामान भूल गई थी ना, तो मैंने सोचा मैं दे आती। वो काफी दूर चली गई होगी, मुझे दो, मैं पहुंचवा देती हूँ तुम्हारे घर। नहीं नहीं, अभी अभी कहाँ ज्यादा दूर तक गई होगी, आधे रास्ते ही पहुंची। मैं दे आती हूँ। रुको, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। इस हॉस्टल के कुछ रूल्स, मुझे दो, मैं पहुंचवा दूंगी। मैंने कहा ना, दो मुझे, दो इधर, दो इसे। शालिनी, लीव इट। कोयल, क्या करती है बच्चे? देख कितने बड़े नाखून हो गए तेरे, काटना चाहिए ना। ये हाइजीनिक थोड़ी होता है ये। भावना, क्या करें तेरा, सजा दूं या जाने दूं? क्या बोलती है कोयल, भुगतनी पड़ेगी ना सजा? क्या करें फिर, एक मौका और दें? ठीक है, तुझे एक मौका और देता हूं। एकदम सिंपल गेम खेलेंगे हम लोग, चिड़िया वोट। अगर तू इस गेम में जीत गई ना भाभी, तो तू चिड़िया की तरह फुर्र हो जाना, और अगर नहीं जीती तो चल खेल। उंगली रख 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 रख, रख अपनी उंगली। ऐशा चिड़िया उड़, मैना उड़, कोयल उड़, उड़। अरे मैंने इस कोयल के बारे में बोला था। ए कोयल, तू उड़ती है क्या? तो फिर से गेम में हार गई भावना। क्या करते हो तुम लोग, अब क्या करें? तूने मेरे को बहुत टेंशन में डाल दिया है भावना। क्या करें तेरा भावना, ओफो, क्या करें? कोशिश कर ले, किस्मत नहीं बदल सकती। भावना ने भी तो कोशिश की थी ना, अंजाम हम सबके सामने। मान ले अगर वो भाग भी जाती तो क्या वो जिंदा रहती? ऐसे गलत काम में एक बार जो लड़की फंस गई, उसके पास दो ही रास्ते होते, ये जिंदगी या फिर मौत। सही कह रही है चांद। कल को अगर तुम्हारी माँ यहाँ आएंगी और तुम उन्हें सच्चाई बता दोगी, तो पता है क्या होगा? मास्टर जी उनका वही हाल करेंगे जो उन्होंने भावना का किया।
इसी वक्त हमारी बात मानो, जिंदा रहो। नहीं दीदी, समझ जाएगी ये। चुप कर। और तुम लोग यहाँ सब क्या कर रहे हो? हाँ, तमाशा चल रहा है क्या यहाँ पर? चलो निकलो यहाँ से, 6 बजने में आधा घंटा रह गया, तुम्हारे ग्राहकों का आने का टाइम हो गया। चलो निकलो यहाँ से, जाकर तैयार हो, चलो निकलो। क्या बात है भाई, कहीं उस लड़की से प्यार वार तो नहीं हो गया? हमेशा उसी की डिमांड करते हो। मंगू जी, चांदनी को भेज दो उनके साथ। चल रहे जा। मास्टर जी कहाँ हैं? बू, अहे, डर गई, डर गई। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। पता है, मैं तुम्हारे इंतजार कर रहा था। पूछो क्यों? इसके लिए ये एक गेम है। एक हाथ में मैंने तुम्हारा नाम लिखा है और एक हाथ में अपना नाम। अगर तुमने सही नाम चुन लिया तो तुम जीत जाओगी। अगर मेरा नाम चुना फिर तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं तुमसे कहूंगा करने के लिए। चुनो चुनो चुनो। स्मार्ट गर्ल देखो। एंटर। ये तो मेरा नाम है, मैं जीत गया। अब तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूंगा। तुम ये सोच रही हो ना कि तुम्हें ये वाला हाथ चुनना चाहिए था? कोई फायदा नहीं होता। कम उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। मास्टर जी को तेरी इस हरकत के बारे में पता चला ना तो तेरी खैर नहीं है। अच्छा, आज के बाद तो मैं तेरी तरफ मुंह करके थूकूंगा भी नहीं। मास्टर जी, रुक। बहुत शौक है ना तुझे चबाने का। गर्ल्स हॉस्टल के नाम पर जिस्म फरोशी का धंधा। इस रैकेट को चलाने वाला ये हैवान स्टूडेंट्स की जिंदगी तो तबाह कर ही रहा है, साथ ही साथ इसने शिक्षा जैसे पवित्र पेशे और उससे जुड़े पूरे तंत्र को भी कलंकित किया है। आज ये हैवान शालिनी और उसके साथ फंसी लड़कियों के लिए खतरा है तो कल कोई और इसके निशाने पर होगा, क्योंकि हम इस पेशे से जुड़े लोगों पर भरोसा करते हैं। ये मानकर चलते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल, कॉलेज या हॉस्टल में पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और क्या सच में ऐसा है? शालिनी जो सपने लेकर यहाँ आई थी उन्हें किस अंधकार में धकेल दिया गया है ये तो दिख ही रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि इस दलदल से निकलने की तमाम कोशिशें विफल होने के बाद क्या शालिनी चुपचाप घुटने टेक देगी? ओ चांदनी, हाथों में मेहंदी लगी है क्या? जल्दी मेहंदी तोड़ो। पर ये क्या बातें करते करते भाजी काट रहे हो? जल्दी करो, अच्छी तरह से भाजी काटो। खुश हो यहाँ? नहीं, कि कोई और रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास? है, एक रास्ता है। 4 लड़कियां और मिल जाएंगे, हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं।
पर मास्टर जी, मंगू, तानी और सीमा, इन लोगों के अलावा दो गार्ड भी है यहाँ। कुल मिलाकर 6 लोग हैं। इन सबसे बचकर बाहर निकलना नामुमकिन है। 6 लोगों को काबू करने के लिए अगर हम 6 लड़के मिल जाए यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। कैसे? बताया नहीं कैसे करना है। ऐसे मिर्च से मतलब जी क्या कर रही है? चाली मत कर ऐसा। मास्टर ने हमें मिर्च खाने की सजा दी थी। मास्टर जी पूरे 5 मिनट के लिए अपने आंखें नहीं खोल पाए थे। हम 6 लड़कियों को यही करना होगा एक साथ। रानी, सीमा, मंगू, मास्टर जी और बाकी के 2 सिक्योरिटी वाले, इन 6 लोगों को एक एक लड़की अपना निशाना बनाएगी एक साथ, और उसके बाद हमारे पास कम से कम भी 5 मिनट हो गए यहाँ से भाग निकलने के। अभी नहीं ना, कभी नहीं। डर रही हो ना? किसे खाने से तुम्हारा मुंह जलेगा, लेकिन इस नरक से निकलने का यही एक रास्ता है। हिम्मत करो कोई। इस हालत में मुझे नहीं लगता कि वो कल का सामना कर पाएगी। मैं कर पाऊंगी। आज शाम 6 बजे तुम सब लोगों के कस्टमर आने से पहले एक साथ शालिनी तैयार हो गई। शालिनी चलो। अगर पहली बात समझ में आ गई होती तो इतना सहना नहीं पड़ता तुझे। जितना अच्छे से यहाँ तैयार हुई हो उतने ही प्यार से मास्टर जी के सामने भी परीक्षा देना, क्योंकि ये तेरी सबसे बड़ी परीक्षा है। चलो लेके चलो। चलो एक काम करते हैं, अपनी इस परीक्षा की शुभ शुरुआत ना हम एक मजेदार खेल के साथ करते हैं। कौन सा खेल खेले? छुपन छुपाई खेले, बड़ा मजा आएगा। 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ हो शालिनी? कहाँ छुपी हो तुम? अरे तुम तो खुद ही सामने आ गई। हारने की बड़ी जल्दी है या परीक्षा देने की जल्दी है? नॉटी गर्ल। तैयार हो गई, चल निकल।
तैयार हो गई? चल जल्दी, तुम लोगों को रोज कहीं नाटक रहता है। अरे तू यहां क्या कर रही है? अरे बोल क्यों नहीं रही है? टाइम हो गया ना, चल पहुंच। पकड़ो कोई। उंगलियां बनकर मुट्ठी बन जाती हैं और एकता की ताकत बड़ी से बड़ी मुसीबत को मार दे सकती है। यहां भी यही हुआ। नामुमकिन से दिख रही ये लड़ाई इन लड़कियों ने साथ मिलकर जीत ही ली, लेकिन इसके लिए किसी एक को पहल करनी होती है, जैसे यहां शालिनी ने की। जिस तरह से ये गर्ल्स हॉस्टल चल रहा था, वैसे ही समाज में जिस्म फरोशी के सैकड़ों अड्डे हैं, जहां लड़कियों को कभी जबरन तो कभी धोखे से लाया जाता है, उन्हें कैद करके वेश्यावृत्ति के दलदल में धकेल दिया जाता है। प्रशासनिक स्तर पर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे होती है? पुलिस की नाक के नीचे ये अड्डे कैसे पनप पाते हैं? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन कई बार ऐसे हालात के लिए हम खुद भी जिम्मेदार होते हैं। यहाँ चूक लड़कियों के परिवार वालों से भी हुई। आंख मूंद कर भरोसा करना अक्सर इंसान को ऐसे चक्री में फंसा देता है। इसीलिए मेरी आप सबसे विनती है कि बिना अच्छी तरह से जांच पड़ताल किए अपने बच्चों को किसी भी हॉस्टल या कहीं और पढ़ने के लिए ना भेजें। और गलती से भेज भी दिया तो इस बात का ख्याल रखिए कि आप वक्त वक्त पर उनकी खैर खबर लेते रहें। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।